नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद झांसी के कस्बा बबीना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यहां पहली बार नया सवेरा ट्रस्ट के फाउंडर इंजीनियर यशपाल सिंह यादव द्वारा बबीना प्रीमियर लीग के नाम से ऐतिहासिक टूर्नामेंट कराकर तथा बबीना जैसे छोटे कस्बे में भारतीय क्रिकेटर अजरुद्दीन, विनोद कांबली और सबा करीम जैसे क्रिकेट के नामी ग्रामी हस्तियों को बुलाकर बबीना के नाम को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया है। आपको बताते चलें कि आज बबीना प्रीमियर लीग का बबीना के न्यू दशहरा ग्राउंड पर फाइनल मैच संपन्न होना था, जिसमें भारतीय क्रिकेटर अजरुद्दीन, विनोद कांबली और सबा करीम जैसी हस्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में नया सवेरा ट्रस्ट के फाउंडर यशपाल सिंह यादव द्वारा आमंत्रित किया गया था। क्रिकेट की इन तीनों ही नामी ग्रामी हस्तियों ने आज कस्बे में आकर बबीना प्रीमियर लीग के फाइनल मैच का भव्य शुभारंभ कराया। इस मैच को देखने के लिए न्यू दशहरा ग्राउंड से का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। एक ओर दर्शकों में मैच को लेकर काफ़ी रोमांच था, तो वहीं दूसरी ओर इन सितारों की एक झलक देखने को भी दर्शक काफ़ी व्याकुल थे। क्रिकेट की नामी हस्तियों ने बबीना की जनता का उत्साहवर्धन भी किया और भारी संख्या में उपस्थित दर्शकों की भीड़ को देखकर आयोजक नया सवेरा ट्रस्ट के यशपाल सिंह यादव को बधाई दी। बबीना प्रीमियर लीग के फाइनल मैच परवई चैंपियंस और भेल इंजीनियर्स के मध्य खेला गया, जिसका शुभारंभ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सबा करीम ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके और टॉस कराकर कराया। परवई चैंपियंस ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 127 रन बनाए तथा भेल इंजीनियर्स को 128 रनों का लक्ष्य दिया। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में ही 6 विकेट खोकर भेल इंजीनियर्स की टीम 121 रन ही बना सकी और 7 रनों से उसकी करारी शिकस्त हो गई। इस प्रकार परवई चैंपियंस ने बबीना प्रीमियर लीग की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। मैच के दौरान ग्राउंड में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली का भी आगमन हुआ, जिन्होंने मैदान के अंदर जाकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ टिप्स भी दिए। साथ ही खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने आयोजकों और दर्शकों का भी मनोबल बढ़ाया। आइए देखते हैं क्या कहा विनोद कांबली ने। इसी प्रकार जैसे ही क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजरुद्दीन का आगमन हुआ तो दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू होने लगे, लेकिन आयोजन कमेटी की ओर से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई थीं। इन सभी अतिथियों की आगवानी नया सवेरा ट्रस्ट के फाउंडर इंजीनियर यशपाल सिंह ने स्वयं दशहरा ग्राउंड के गेट पर जाकर की। इसी प्रकार अजरुद्दीन ने भी ग्राउंड में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की व उनको अपने समय में खेले गए मैचों के बारे में बताया तथा क्रिकेट की कुछ टिप्स खिलाड़ियों को दिए।
आइए देखते हैं क्या कहा बबीना के लोगों के लिए भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने। जो ऐसे आयोजन हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आप किस तरह से लेते हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र से ही बड़े लोग अच्छे प्लेट बनते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे जो तबके होते हैं वहाँ पे ज्यादा खेलने का इंटरेस्ट रहता है। जैसा कि आपने देखा है ग्राउंड पूरा फुल है एकदम, अगर आप देखेंगे तो जगह भी नहीं है। अगर मेरे ख्याल में, मैं तो समझता हूँ टिकट भी रखना चाहिए यहाँ पे थोड़ा। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? आने वाली पीढ़ियों के यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा खेले, अच्छा स्पोर्ट्स में आए और अच्छे चीजें सीखे और अच्छा हिंदुस्तान को, देश को आगे बढ़ाए। वही अभी आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए इस तरीके की खेल ग्रामीण क्षेत्रों में? और बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर चाहे तो। गवर्नमेंट के जो उनका जो मेरे ख्याल में जो फंडिंग रहती है उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो मेरे ख्याल में यश भाई ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से मैच ऑर्गेनाइज किया। मैं उनसे यही कह रहा था कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके जितना आपके क्षेत्र में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों बच्चों को मैचेस खिलाएंगे तो बच्चे भी आप जुड़ेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे और सही सही तरह सही जगह पे जाएंगे और सही चीजें सीखेंगे लड़के, क्योंकि अगर लड़कों को आप बराबर खेल कूद में अगर नहीं डालेंगे तो फिर वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ चुका है, एक स्पोर्ट्स एक करियर के वैसा भी ले रहे लोग। अगर जब मैं हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इतने पेरेंट्स फोन आते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा करिए, मेरे बच्चे को ऐसा करिए, क्योंकि अब बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं सोचता हूँ कि जब पेरेंट्स इतना इंटरेस्टेड है तो मेरे ख्याल में बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं खेलता तो पेरेंट्स हमारे कुछ उतना ज्यादा बताते नहीं थे, होते हाँ खेलो फिर पढ़ो भी बोलते हैं। बबीना जो नया सवेरा है शुरुआत करवाई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ यश को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल यंग आदमी है, क्योंकि जो आप अभी अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि आगे की पीढ़ी कैसा करी, तो यही आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा हर छोटे छोटे भी जगहों पे जाके आप मैच खिला सकते हैं। क्योंकि जैसा अगर हमें आते खुद बाद वक्त आप रोड ट्रैवल आप करते तो देखते हैं कि लोग बिल्कुल इवन फील्ड में भी तीन लकड़ियां लगा लेते और बैट से खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, आप कहीं भी तीन विकेट लगा लो खेल सकते हैं। क्योंकि अगर बैडमिंटन टेनिस या कोई अदर गेम खेलना है हॉकी, तो उसके लिए स्पेस चाहिए और अच्छा सही ग्राउंड चाहिए और फैसिलिटीज चाहिए। क्रिकेट ऐसा गेम है आप जहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़े और अच्छा। सर झांसी में आए, आप पहली बार आए, आप क्या कहेंगे? मैं पहली बार नहीं, मैं काफी बार आया हूँ झांसी में, पहले मैं तीन चार बार आया हूँ झांसी में, मुझे अच्छा लगा। इससे पहले तो एक बार मुझे टाइम भी आए थे तो खुशी हुई आगे, बट हिस्टोरिक प्लेस है, हिस्टोरिक जगह है, तो उम्मीद करते हैं कि चुनाव के अलावा और भी कभी आए। चुनाव के अलावा शायद मैं जब छोटा था, जब हम झांसी के थ्रू ही जाते थे, दिल्ली जाना होता तो हमारी एपी एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस जाती थी, तो सुबह में ज्यादा झांसी पे आधा घंटा रुकती थी, तो हम उतर के स्टेशन पे चाय और कुछ खा लेते थे। सर ये छोटे कस्बे रिजर्व डब्बे रहते थे, हम तो रिजर्व कंपार्टमेंट में कभी मुझे याद ही नहीं है मैं आया। सर छोटे कस्बे के जो खिलाड़ी हैं, आप जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? सर बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आप आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अगर आप जब खेले तो आप लड़कों में आप जो सीखे आपको आप लड़कों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं सिखाएंगे तो फिर आप खेल के फायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ देश के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, अपने क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। यशपाल जी क्या ऐसे आयोजन हर वर्ष किए जाएंगे? बिल्कुल हर साल, जनवरी का महीना पॉलिटिकल महीना होगा बबीना में, हर साल। यशपाल जी की क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया हमने, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अब बबीना में जनवरी का महीना पूरा स्पोर्ट्स का महीना होगा, रेसलिंग क्रिकेट और भी गेम्स हम कराएंगे जिससे बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में छावनी परिषद बबीना के मुख्य अधिशासी अधिकारी महेश चंद्र सैनी, झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप, करौठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के युवा नेता सिंहव्रत सिंह यादव उर्फ बबुआ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अस्फान सिद्दीकी समेत बबीना के विधानसभा अध्यक्ष हरदयाल फौजी, स्वामी शरण यादव, सुखवीर प्रधानपति एवं समाजसेवी एडवोकेट रामसेवक रजक, चंद्र प्रकाश राय पहलवान, अरविंद यादव खेलार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं नए सवेरे ट्रस्ट के युवाओं की टीम में सुमित राय, गोलू यादव, अनूप यादव, अंकित रावत आदि समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में परवई चैंपियंस की विजेता टीम को 3,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। तो वहीं भेल इंजीनियर्स की उपविजेता टीम को
1,00,000 रुपए की नकद राशि तथा ट्रॉफी प्रदान की गई। तो वही मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार 51,000 रुपए, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर को 21,000 रुपए की राशियां आयोजकों द्वारा प्रदान की गईं। साथ ही साथ समस्त मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद राशि और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार नया सवेरा ट्रस्ट के फाउंडर एवं बबीना प्रीमियर लीग के आयोजक यशपाल सिंह यादव द्वारा व्यक्त किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।